ओम शांति। बाबा ने आकर अपनी महान आत्माओं को चुनकर इस संसार को पुनः देव युग में परिवर्तन करने का महान कार्य हम सबको सौंप दिया है। ऊपर से जब बाबा ने देखा कौन कौन सी आत्माएं इस संसार में सबसे अधिक चमक लिए हुए हैं, कौन कौन मेरे काम की हैं, तो उनकी नजर पड़ी हमारे ऊपर। उसने देखा कि संसार में इन आत्माओं की चमक ही सबसे ज्यादा है और यही मेरे काम की हैं। कल्प पहले भी इन्होंने ही मुझे मदद की थी और उसने हमें निमित्त बना दिया अपने महान कार्यों के। उसने हमें वो योग्यताएं, टैलेंट, शक्तियां, गुण, धन संपदा भी दे दी कि हम उनके कार्यों में पूर्णतया सहयोगी बन सकें। तो ये कितने बड़े भाग्य की बात है हम इस स्वमान को बहुत बढ़ा दें कि मैं एक महान आत्मा हूँ और बाबा की मुझ पर नजर है। सारे दिन में कई बार वो वतन से मुझे देखता है कि बच्चे की स्थिति क्या है, विचार कहाँ हैं, बुद्धि कहाँ है, क्या अपने कर्तव्य को कर रहे हैं या भूल गए हैं छोटी मोटी बातों में उलझ कर, क्योंकि उसने हमें महान कार्य सौंपा है युग को बदलने का, इस धरा को भरपूर करने का, प्रकृति को पावन बनाने का, सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करने का और अनेक आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दिलाने का। ये छोटा काम नहीं है, उसकी नजर हम पे रहती है। कोई बड़ी कंपनी हो, उसके जो चेयरमैन होंगे या मालिक होंगे, उनकी नज़र उन लोगों पर जरूर रहेगी जो उनके उस कार्य को चलाने में मुख्य रोल प्ले करते हैं। जो मैनेजर्स होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो जनरल मैनेजर या एमडी होंगे, उन पर विशेष नज़र रहेगी, कृपा भी रहेगी, मदद भी करेंगे, उन्हें अपना बनाकर भी रखेंगे। ऐसे ही भगवान की हम पर नजर रहती है, वो हमें बहुत प्यार भी देता है, हमें हर समय मदद भी करता है। हम ये बात भूले नहीं, वो हमें मदद देने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। तभी तो बाबा कहा करते हैं कि बाप जब देखता है ये बच्चे हजार भुजा वाले के पास ना आकर दो भुजा वालों के पास जा रहे हैं तो सोचते हैं अब हम इनके लिए क्या करें। वो बाबा जो हमें बहुत प्यार करता है, हमें कठिनाइयों में देख ही नहीं सकता और संपूर्ण रूप से हमें मदद करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है, हम केवल उसके पास पहुँचें, बुद्धि को उन पर एकाग्र करें, उनके वरदानों को याद करें, स्वयं में उनकी शक्तियाँ भरें, तो मदद मिलेगी। मदद के हम स्वरूप ही बन जाएंगे, हमें बल्कि बाबा इतना शक्तिशाली बना देता है कि हमें किसी की भी मदद की जरूरत न पड़े। हम बाबा से मदद लें और संसार को मदद करें तो हम सभी अपने इस स्वरूप को पहचानेंगे, बहुत अच्छी तरह इसका अभ्यास करेंगे और आज सारा दिन फरिश्ता सो देवता की ड्रिल करेंगे। अपने तीनों स्वरूप देखें, लेफ्ट साइड में मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है जिसके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। राइट साइड में मेरा सजा सजाया देव स्वरूप, दिव्य स्वरूप है, वो भी संपूर्ण है। सिर पर डबल ताज है, सिर के ऊपर प्रकाश का ताज भी चमक रहा है। फिर मैं ये ब्राह्मण हूं, मोस्ट फॉर्चुनेट, भगवान के द्वारा चुनी हुई महान आत्मा। अब अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह से निकलकर जाती हूं अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में। आत्मा को देखें, चमकती हुई मणि,
वहां से निकलकर पहुंच जाती हूं देव स्वरूप में। कुछ देर उसको एंजॉय करें, फिर उससे निकलकर आ जाती हूं ब्राह्मण शरीर में, और इन तीनों में चक्कर लगा दे 5 बार, बहुत आनंद आएगा और उनके सारे गुण प्योरिटी कलाएं हम में आती रहेंगी। ओम शांति।